नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। 11 अप्रैल 1827, ये वो तारीख है जिसने इतिहास और हमारे वर्तमान को भी कहीं ना कहीं बदल कर रख दिया। 11 अप्रैल को जन्म हुआ राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले ने हर तबके, हर समाज के लिए काम किया, चाहे वो पुरुष हों, दलित पिछड़े लोग हों, महिलाएं हों या किसान हों, हर तबके के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सुधार के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कुछ ऐसे लेख लिखे जिससे आज की जो पीढ़ी है, आज जो जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, वो भी सीख ले रहा है। और उनके विचारों को समझने के लिए हमें रोज़ कुछ ना कुछ उनके बारे में पढ़ना चाहिए, फिर भी शायद हम उनके पूरे विचारों को समझ ना पाएँ, इतने विस्तृत उनके विचार हैं। लेकिन आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें याद करने का मेरे पास तो तमाम कारण हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि उन्होंने शिक्षा पर कितना जोर दिया। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, जिस दौर में महिला शिक्षा, आज से लगभग 150 साल पहले महिलाओं को पढ़ाना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उस दौर में उन्होंने ये बात बहुत पुरजोर तरीके से रखी कि ना सिर्फ महिलाओं को पढ़ाना है बल्कि पुरुषों से भी पहले महिलाओं को पढ़ाना है। और यही उनके विचार थे जिसके तहत वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। ज्योतिबा फुले के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी शिक्षा, क्योंकि जब उन्होंने शिक्षा शुरू की और उसके बाद जैसा कि होता चला आया था समाज में, जो वर्ण व्यवस्था के उच्च स्थान पर बैठे लोग थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने उनके पिता को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनके पिता ने उनकी शिक्षा रुकवा दी। लेकिन ज्योतिबा फुले ने फिर भी अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू रखा। जी, वही अंग्रेज़ी जिसको लेकर आज चर्चा होती है कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन क्योंकि ज्योतिबा फुले से ज़्यादा शिक्षा को समझने वाला, शिक्षा के महत्व को समझने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा, तो इसलिए उनके नज़र में अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरी थी ये भी हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। तो ज्योतिबा फुले ने अंग्रेज़ी की जो शिक्षा है वो जारी रखी, वो अंग्रेज़ी सीखते रहे और उन्होंने जो पहली किताब पढ़ी थी, थॉमस पाइन की किताब राइट्स ऑफ मेन, इस किताब ने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला। ये पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि हर व्यक्ति का अपना कुछ अधिकार, अपने कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसके तहत उन्होंने लगातार लोगों के अधिकारों को उन्हें समझाने और उन तक पहुँचाने का काम किया। उन्होंने खुद अंग्रेज़ी पढ़ी, अपनी पत्नी को, सावित्री बाई फुले को, उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई। और उस दौर में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज से लगभग 150 साल पहले, आज 195वीं जयंती है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो आज से 150 साल पहले उन्होंने अंग्रेज़ी के महत्व को समझा, खुद अंग्रेज़ी पढ़ी, अपनी पत्नी को अंग्रेज़ी पढ़ाई और लोगों को भी अंग्रेज़ी पढ़ने को प्रोत्साहित किया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में जब वो अंग्रेज़ी को समझ गए थे, अंग्रेज़ी के महत्व को समझ गए थे, तो आज के दौर में ये चर्चा निरर्थक है। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेज़ी पढ़ना इतना ज़रूरी उन्हें क्यों लगा या आज भी अंग्रेज़ी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ज्योतिबा फुले का ये मानना था कि अगर हमें ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, इससे निकलना है तो इससे निकलने के लिए एक माध्यम अलग होना चाहिए। लोगों में जो जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, उन सब में ये वर्ण व्यवस्था ने घुसपैठ कर रखी है, जातिवाद ने घुसपैठ कर रखी है, तो उससे अलग हटने के लिए एक अलग भाषा भी ज़रूरी है, एक ऐसी भाषा जिसकी कोई सीमा ना हो। अंग्रेज़ी उन्हें सबसे ज़्यादा बेहतर लगी और आज भी आप अंग्रेज़ी के महत्व को समझते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है, ऐसे में अंग्रेज़ी बेहद ज़रूरी है। और ज्योतिबा फुले ये बात बखूबी समझ चुके थे, वो समझ चुके थे कि लोग जब अपनी भाषाओं से, अपनी बोलियों से ऊपर उठकर एक अलग भाषा को तवज्जो देंगे तो तभी वो एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ी पर जोर दिया। और आज मुझे लगता है कि जब ये चर्चा होती है कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो हमारे पहले शिक्षक, उनकी इस पर क्या राय थी वो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। और आज उनकी जन्म जयंती पर उनके इन विचारों को आपसे साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के लिए बहुजन टीवी में बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।